हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पता है जैसे अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम 20 नेक्स्ट इस मंथ का 20 को होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक सेट में डिस्कस करूँगा, दूसरा वीडियो में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मॉडल सेट 1 का मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा और अदर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ, स्क्रैप वैल्यू दिया, एस्टिमेट लाइफ दिया हुआ मशीन का, और हमें बोला गया कि मशीन के डिप्रेशन निकालिए, साथ ही साथ उसमें कितना परसेंट रेट निकाला जा रहा है वो भी निकालिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस्ट मशीन का था प्लस उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग रहा था, जो भी स्पेंड करने में मशीन को सेट करने में 25,000। तो मशीन का कॉस्ट निकाल लेंगे सबसे पहले 2 लाख रुपये, दोनों को ऐड करके निकालिए, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 10,000, एस्टीमेट लाइफ 5 साल, मशीन उससे ज़्यादा चल रहा नहीं था। अब डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टीमेट लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा डिप्रिसिएशन आएगा 38,000, ठीक है। यहाँ 2 लाख से 10,000 लेस करके जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो 38,000 आ जाएगा। अब रेट ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करेंगे, 38,000 मेरा डिप्रेशन निकल, डिवाइड भी किस वैल्यू पे निकाले, 2 लाख पे। 2 लाख जो मशीन के मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, ठीक है, x 100 के अंदर 19% हम रेट ऑफ डिप्रेशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मॉडल सेट 1 का। इसमें निकालने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला। तो इसमें हमको फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक किसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया होता है, नेट सेल्स में निकालना, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न भी दिया होता है। तो सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो 37,000 मेरा आएगा रिटर्न। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 20,000, 22,000। तो ओपनिंग स्टॉक दिया होता 10,000, नेट परचेस में परचेस और सेल्स परचेस रिटर्न दोनों था, तो परचेस से परचेस रिटर्न लेस करेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम मेरा एक से ज़्यादा दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था तो दोनों को ऐड करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000 और क्लोजिंग स्टॉक 11,000 मेरा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ हमको बताना है कि कैपिटल रिवेन्यू क्या है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या, सिर्फ वो हमको बताना था, ठीक है। तो इसको सिर्फ शो करने से हो जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग से वैल्यू दिया तो दोनों को ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर क्या, इसमें जो नंबर दिया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द, ये कैपिटल से जो रिलेटेड है, जो मेरा कैपिटल इंक्रीज करेगा, वो सब वैल्यू को हम ले लेते हैं कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में जैसे ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, 1,20,000 मेरा कैपिटल रिसिप्ट में चल गया। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर सेल करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो मेरा क्या बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। तो 2,50,000 रुपये मेरा कैपिटल बढ़ गया, तो टोटल कैपिटल रिसिप्ट कितना हो गया, 3,70,000 रुपये, 3,70,000 रुपये, ठीक है। अब उसी तरह रिवेन्यू रिसिप्ट का भी टोटल कर लेंगे। अब रिवेन्यू रिसिप्ट के लिए क्या करेंगे, सेल करें तो गुड्स, ये तो गुड्स का जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं, इसलिए मेरा रिवेन्यू बढ़ाएगा, ठीक है, ना कि कैपिटल बढ़ाता है, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो हमारा कैपिटल बढ़ता। सेल्स किया तो 80,000 रेंट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डिंग सबलेट, जो रेंट में दिए थे वहाँ पर भी मेरा रिवेन्यू बढ़ाएगा। 50,000 अमाउंट रिसिप्ट सेलिंग न्यूज़पेपर, ये सब एक्स्ट्रा जो न्यूज़पेपर छोटे मोटे सामान सब बेच के सब रिवेन्यू बढ़ाता है, मेरा कैपिटल नहीं इंक्रीज करता, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितना हो जाएगा, 1,35,000। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने बोला है, ठीक है। तो इसका एक तो फॉर्मेट होता है, जैसे क्लोजिंग कैपिटल से इसमें स्टार्ट करते हैं, फिर परचेस कर, फिर ड्राइंग को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं जो भी पैसा हम लोग एडिशनल कैपिटल लगाए थे, ठीक है, और अपनी कैपिटल निकाल को लेस करते हैं, जिससे हमारा निकल जाता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट है, जैसे आपको तो दिख रहा होगा, क्लोजिंग
क्लोजिंग कैपिटल से 1,70,000 इसमें प्लस ड्राइंग जो पैसे निकाले थे एक्चुअली 70,000 टोटल है 2,45,000 ठीक है। एडिशनल कैपिटल लगा तो उसको लेस कर दिए, साथ ही ओपनिंग कैपिटल को भी लेस कर देंगे तो मेरा आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर वो फॉर दैट 34,000 जी इसमें। लेकिन एडिशनल कैपिटल जो है 21,000 ये आपका इन्वेस्टमेंट था ठीक है। इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे थे, हमारा 20,000 इन्वेस्टमेंट था उसको 5% प्रीमियम के साथ विड्रॉ किए सेल्स की और उसको रिटर्न हम बिजनेस में लगा दिए ठीक है। अब जो पैसा हम बिजनेस में लगा देते हैं वो मेरा एडिशनल कैपिटल होता है ठीक है। तो 1,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट का तौर पर निकला था और 20,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट था ठीक है। प्रीमियम के तौर पर 1,000 तो दोनों काट के 21,000 आया। तो दोनों के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में रिटर्न लगा रहे तो एडिशनल कैपिटल मेरा 21,000 हुआ इसलिए दोनों को लेस कर दिया ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि डिप्रेसिएशन के रिलेटेड है। तो डिप्रेसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाला है ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें हम टोटल तीन मशीन खरीद रहे हैं, एक 2016 में स्टार्टिंग ईयर में, फिर 2017 में और फिर एक 2018 में खरीद रहे ठीक है। खरीदना है तीन मशीन खरीद रहे ठीक है, तो नंबर वाइज दे देंगे 1, 2, 3। और इसके बाद इसमें 2018 में क्या हो रहा है, हम एक मशीन बेच भी दे रहे हैं तो हमको उसका कैलकुलेशन करके दिखाना होगा प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है ठीक है। अब कैलकुलेशन करने से बेनिफिट ये रहता है कि वर्किंग नोट में हमारा सारा वैल्यू दिख जाता है ठीक है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता बनाने में ठीक है। और साथ इसमें जो डिप्रेसिएशन कैलकुलेट बोला है रिटर्न डाउन मैथड से, जो जिसका मतलब होता है कि हमको घटा घटा के डिप्रेसिएशन निकालना है ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट मैं दिखाता हूँ आपको ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट में देखिए डिप्रेसिएशन एज 10% परिणाम के हिसाब से चार्ज करना है। 2016 में हम मशीन वन खरीदे थे जन स्टार्टिंग में खरीदे थे और 13,000 का मशीन था प्लस 2,000 कि मेरा 13,000 का मशीन था प्लस 2,000 उसका इंस्टॉलेशन में लगा ठीक है। तो 10% मेरा रेट था तो 15,000 आएगा, 10% निकाले 1,500 मेरा उस साल का डिप्रेसिएशन निकल गया ठीक है। अब इसी तरह 2017 में भी जाएंगे ठीक है। अब आते हैं 2017 में ठीक है। अब इसमें मेरे पास पहला मशीन तो पहले से 15,000 उसका स्टार्टिंग वैल्यू था और रिटर्न डाउन में क्या कहते हैं कि हम जो पहले का डिप्रेसिएशन निकाल लें तो 1,500 उसको लेस करेंगे इंटू 10/100 ठीक है। तो 13,500 वैल्यू आ गया इंटू 10/100 मेरा 1,350 दूसरा साल का डिप्रेसिएशन। अब इसी साल क्या कह रहे थे कि बीच महीना में 6th मंथ में जो भी आता है उसमें हम एक और मशीन खरीद लिए मशीन की वो कितना कर दे 40,000 का ठीक है, 40,000 का 10% हो गया और 6 मंथ था तो मेरे पास 6/12 तो मेरा आ गया कितना इसमें 2,000 रुपये ठीक है। ये मेरा दूसरा साल का वर्किंग नोट हो गया ठीक है। और 2017 अब हम 2018 का करेंगे। 2018 में क्या था कि हम एक मशीन बेच दिए थे ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि हम किस डेट को बेचें और उस दिन तक मेरा मशीन का वैल्यू क्या था हमको वो बताना होता है ठीक है। उस बेस पर हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो देन 2018 में क्या कर रहे थे कि हम लोग मशीन वन को सेल कर रहे थे ठीक है। तो हम 1 जनवरी तक का वैल्यू निकाल ले रहे कितना था मशीन वन को, तो 15,000 मेरा स्टार्टिंग में था, पहला साल डिप्रेसिएशन दिए 1,500, दूसरा साल 1,350 दोनों को लेस करके मेरा जो वैल्यू आएगा वो मेरा 1 जनवरी 2018 का वैल्यू होगा ठीक है। तो मेरा वैल्यू कितना होगा 1 जनवरी 2018 तक 12,150 ठीक है। अब इसमें क्या था कि हम इसमें जो मशीन था मेरे पास 3 महीना था उसके बाद ही हम सेल किए ठीक है। तो हमको 3 महीने का डिप्रेसिएशन देना है ठीक है। तो 3 मंथ का डिप्रेसिएशन मेरा 12,150 वैल्यू था तो उसका 10 जो रेट था और इंटू 3/12 का तो 304 रुपीज़ मेरा डिप्रेसिएशन आएगी। अब लेस किए तो 11,846 मेरा वैल्यू कब मशीन का वैल्यू कितना होगा 1 अप्रैल 2018 तक मशीन का वैल्यू 11,846 रुपये हो गया। अब इसमें से क्या थे किया थे कि हम इसके बाद इसको उसी डेट को हम उसको बेच दिए थे, कितना में बेचे थे 5,000 में ठीक है। अब 5,000 में बेचे थे और मशीन का वैल्यू था 11,846 तो मशीन का वैल्यू से कम में बेच दिए ठीक है। तो क्या हुआ मेरा लॉस हो गया ठीक है। तो 6,846 मेरा लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर। ये था मशीन वन का वर्किंग नोट, सिर्फ मशीन वन का। अब इसके बाद क्या था मेरे पास मशीन टू तो पहले जैसा ही था तो उसका उसमें पहले जैसे डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे ठीक है। 40,000 जो था मेरा मशीन तो इसमें डिप्रेसिएशन ऑन एम टू 40,000 जिसका हम खरीदे थे 2017 में उसमें से 2,000 डिप्रेसिएशन चार्ज किया था तो लेस कर देंगे ठीक है इंटू 10/100 तो आ गया कितना 3,800 मेरा डिप्रेसिएशन। अब इसमें क्या था कि सेम जिस दिन को हम बेचे अब उसी दिन एक और मशीन खरीद लिया था मशीन थ्री, कितना खरीदे थे 30,000 का, कितना 9 मंथ का निकलेगा ठीक है। तो और क्योंकि अप्रैल में खरीदे थे अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ आ जाएगा
तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो जो वैल्यू आएगा मेरा 2,250। ये मेरा मशीन 3 का डिप्रेशन निकल गया, ठीक है। ये जो मेरा पूरा जो अभी की ये सब वर्किंग नोट था। अब इसको करने के की फायदा कि मेरे को पूरा डिटेल मिल जाता है और उसके बाद अकाउंट बनाना मेरा काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अकाउंट में। अब इसमें बनाने क्या बोला था कि मशीन अकाउंट बनाने वाला था, ठीक है। तो मशीन अकाउंट बनाने के लिए इसका फॉर्मेट बनाना जरूरी है। ध्यान रहे कि इसमें फॉर्मेट में कुछ नहीं छूटना चाहिए, जैसे इसका डेबिट क्रेडिट छोटा चीज़ रहेंगे छूट जाता है, और डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट जी अब नहीं दिखेगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथ इसका अमाउंट भी दिखाना चाहिए, रुपीज का सिंबल जी कंपल्सरी होता है। ये नहीं दिखाएंगे तो फिर नंबर कट सकता है बोल, ठीक है। तो पहले क्या था कि हम 2016 का काम किए थे, ठीक है। 1 जनवरी को क्या किए थे, मशीन खरीदे थे, 2 बैंक अकाउंट M1 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मशीन वन का वैल्यू कितना था, 13,000 प्लस 2,000 15,000, तो 15,000 दिखा दिए। अब उस साल उसका डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया था, कितना आया था 1,500, यहाँ डिप्रिसिएशन बाय में दिखा दिए। अब जो बैलेंस बच जाएगा 13,500 यहाँ से कर देंगे, ठीक है। या 15,000 इसको लेस किए तो मेरा आया 13,500, ठीक है। तो पहला साल का क्लोजिंग हो गया। अब ये और इसका सेम डेट रहता है, ठीक है। 13,000 15,000 हो गया। अब इसी ए बैलेंस CD को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर में 2017 1 जनवरी में। 2 बैलेंस BD M1 का 13,500 हो गया। अब उसी साल 1 जुलाई के एक और खरीद देते हैं, बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट M2 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 40,000, ठीक है। अब दो मशीन था तो दो दोनों का डिप्रेशन चार्ज करना है। 2017 में 31 दिसंबर में बाई डिप्रेशन M1 M2 का दोनों का डिप्रेशन दिखा दिए, ठीक है। तो वर्किंग नोट में शो कर दिए थे कितना कितना निकला। अब उसके बाद फिर दोनों का डिप्रेशन निकालेंगे तो बाई बैलेंस CD निकालेंगे, ठीक है। तो बैलेंस CD के लिए क्या करेंगे, बैलेंस BD जो मेरा 13,500 उसमें से 1,350 लेस करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा। सेम इसमें भी 40,000 2,000 लेस करेंगे 38,000 आ जाएगा, और जो वैल्यू आए यहाँ सो कर देंगे, ठीक है। अब टोटल करेंगे दोनों तरफ का टोटल मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो वैल्यू आया इसको फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्रॉस जाता है दूसरे का। 2018 1 जनवरी यहाँ 31 लास्ट है तो यहाँ 1 जनवरी आ जाएगा। BD M1 M2 का BD था मेरे पास 50,150, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम एक मशीन बेच रहे थे, मशीन हुआ नहीं यानी कि इसको 12,150 जिसका वैल्यू है, ठीक है। इसको कब बेच रहे, 3 महीना बाद बेच रहे थे, 31 मार्च में, ठीक है। तो 3 महीने का डिप्रेशन निकाले हम लोग वर्किंग नोट में 304 रुपये। अब उसको बेचे कितना में थे, 5,000 में थे, तो बाई बैंक भी बैंक किए और ब्रैकेट में सोल्ड लिख दिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5,000 में सेल किए। अब जो सेल किया तो इसमें क्या था कि मेरा जो मशीन का वैल्यू था उससे कम में बेच दिया, तो क्या होगा, मेरा लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कहाँ जाता है, पीएल में शो कर दिया 6,846 रुपये मेरा को लॉस हो गया, ठीक है। अब आगे क्या किया था कि उसी दिन एक और नया मशीन खरीद लिया था M3, ठीक है। तो 1 अप्रैल को नया खरीदा था 2 बैंक अकाउंट के M3 30,000 का, ठीक है, नया मशीन ले लिया। अब उसका भी डिप्रेशन निकालना क्योंकि मेरे पास एक बेचे तो बाकी M2 और M3 मेरे पास अभी भी अब है तो डिप्रेशन कटेगा। तो बाय डिप्रेशन अकाउंट M2 का 30 जो था 3,800 रुपये, ठीक है, और M3 का 2,250 रुपये, तो दोनों का एट के 650। अब फिर इसका बैलेंस शीट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका M2 को इससे लेस करेंगे और इसका वैल्यू इससे लेस करेंगे तो आ जाएगा आपको ये वैल्यू। अब इसको टोटल करेंगे, उसके बाद दोनों का टोटल मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी इसका फिनिश नहीं, क्योंकि हमको 3 साल तक बनाया तो हमको यहाँ फिनिश नहीं करना। इसके बाद इसको एक बार और ट्रांसफर कर देना नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तब तब जाके मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे 2019 में एक बार ट्रांसफर कर देना 2 बैलेंस BD M2 और M3 का, 61,950 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको बोला है कि फाइनल अकाउंट बनाना है, ठीक है, यानी कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने बोला, साथ ही मेरा बैलेंस शीट बनाने बोला है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट मेरा कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्मेट में किसी तरह का मिस्टेक नहीं करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाना, दोनों अकाउंट एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। और ईयर कब खत्म हो रहा है और नई डेट पता है तो डॉट डॉट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट छूटना नहीं चाहिए, पार्टिकुलर अमाउंट और रुपीज़ का सिंबल, ठीक है। अब ट्रेडिंग सबसे पहले बनाएंगे तो उसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 5,60,000। अब इसमें क्या था कि वर्क इन प्रोग्रेस था, वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए कहें कि क्वेश्चन में इसको दिखाते ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ इक्वल इफेक्ट आ जाता है, इसमें भी 10,000 इसमें 10,000, तो दिखाना ना दिखाना एक ही चीज़ होता था, ठीक
हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहीं कहीं दिखाया ही नहीं जाता। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ, एक बार इसको यहाँ दिखाया जाता है और इसके बाद इसको एसेट्स में दिखाया जाता है, ठीक है। तो अपने स्टॉक 5,60,000 था, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 ऐड कर दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर था 11,00,980 था, ठीक है। और बाय सेल्स में दिया और क्लोजिंग स्टॉक इसमें भी ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ से कैलकुलेट करके मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 4,13,020 रुपीज़, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर क्या करें, इसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यहाँ से जाएगा मेरा अमाउंट पीएल में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो आगे तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर के लिए बाय में आएगा, उधर था तो इधर आ गया, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से है, ट्रेडिंग 4,13,020, ठीक है। अब जो भी एक्सपेंसेस मेरा बच गया, ठीक है, वो सारा एक्सपेंसेस इसमें ले लेंगे, ठीक है। जैसे बैड डेब्ट्स है, सैलरी वेजेस है, रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवेज, सारा एक्सपेंसेस पीएल का था, ठीक है। तो ले लिए सारा एक्सपेंसेस। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। 2,60,516 हो गए, 560। अब इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे उसका भी पूरा सब कुछ लिखना जरूरी होता है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लगा दीजिएगा, बैलेंस शीट में नहीं लगाया जाता है सब, ठीक है। तो लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, रुपीज, सिंबल जो भी लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग से कैपिटल से कर दिया, कैपिटल दिया हुआ नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और कुछ ही तरह ड्राइंग होगा तो लेस कर देते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होता है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिया था प्रीवियस ईयर का, उसको भी शो करते हैं। डेटर है 1,55,000 का और बिल्स रिसीवेबल है 1 लाख का, उसको शो करेंगे, ठीक है। साथ में क्लोजिंग स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देंगे। इसके अलावा अदर असेट्स था, तो अब दोनों का टोटल करने पर मेरा इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आया तो मेरा गलत है। इक्वल 17,48,840, ठीक है, ये मेरा टोटल आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, तो मेरा बैलेंस शीट सही है, ठीक है, किसी तरह का मिस्टेक नहीं है। बैलेंस शीट अगर दोनों टोटल बराबर आंसर नहीं आने पर मेरा दोनों पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला 5 नंबर के, तो जहाँ पे सेट किया गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बार डिफ्रेंसिएशन है, एक यहाँ से बैलेंस शीट से चैप्टर से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला स्टेटमेंट ऑफ एयर बनाने, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने बोला गया, ठीक है। 2 साल की इन्फॉर्मेशन दिया गया, दोनों का हमको कैपिटल निकालेंगे, एक को मेरा ओपनिंग कैपिटल बनेगा, एक मेरा क्लोजिंग कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो जिसमें बैलेंस शीट जैसे ही रहता है, ठीक, जैसे बनता है, ठीक है, उसका सिर्फ हेडिंग अलग रहता है, स्टेटमेंट ऑफ एयर ऑफ जिसका रहता है मोहन का, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2018 एसेट लाइबिलिटीज दिया रहता है, तो एसेट में एसेट सबको दिखाएंगे, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज को, ठीक है। और इसमें जो बैलेंसिंग आता है तो वो मेरा क्या हो गया, 1,19,000 आया, ये मेरा 2018 का, तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैपिटल हो गया। सेम इसी तरह सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हम क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ एयर जो जैसा हेडिंग था सेम हेडिंग होगा, एसेट जो जो था सेम जो जो था, बिल्स पेबल स्टैंडिंग क्रेडिटर था, जो भी बैलेंसिंग आया कैपिटल हो जाएगा, मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जहाँ से हमको प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर द ईयर 31 मार्च जिस साल इसके एंडिंग और पार्टिकुलर अमाउंट, और इसका जो फॉर्मेट है दिया, तो ब्लैक पेन से बनाए या फिर पेंसिल से बनाए हैं, ठीक है, दोनों में से। तो इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल 1,38,000 था, ठीक है। अब इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग अगर है तो, ड्राइंग तो मेरा ड्यूरिंग दिया 60,000 का, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,98,000 मेरा आ गया। अब इसमें से माइनस क्या 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 करेंगे, एडिशनल कैपिटल, अगर कोई कैपिटल हम मिड में लगाएं तो, ठीक है, तो 10,000 लेस कर देंगे, 1,88,000। अब इसके बाद क्या लेस करेंगे हम, लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, इसको हम लोग पहले फाइंड आउट किए थे, 1,19,000 आया था, ठीक है। और जिसको माइनस करेंगे उसको ब्रैकेट में रखिएगा, तो 69,000 आएगा मेरा प्रॉफिट
ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसका क्लोजिंग जरूर कर दीजिएगा, डबल लाइन देगा, इसका क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था मेरा जो मॉडल सेट पहला का, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर। थ्योरी को अलग मैं अलग से मैं बना दूंगा उसका, जो डिटेल में एक्सप्लेन करके, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, ओके। तब तक ये वीडियो समाप्त। अब मैं दूसरा मॉडल सेट में सिर्फ उसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, थ्योरी अलग रहेगा, इसी तरह मेरा जो भी रहेगा वीडियो सब रहेगा, ठीक है।